वो भाई चाइना की एंट्री है। यहाँ से देखो हम बहुत ही करीब आ गए। कल मैं इसी मार्केट के अंदर घूम रहा था जब मैं वापस आया था। ये देखो विनफास्ट यहाँ का कार का ब्रांड है भाई, कितनी लग्जरी कार बना रखी है इन लोगों ने। सो दोस्तों मुझे काफ़ी दिन से डर था कि पता नहीं मुझे मोंकई से एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल मैप पर आज भी मोंकई से एंट्री नहीं दिखा रहा। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। ये देखो भाई पता नहीं किस चीज़ का मार्केट लगा और सारे खोल खाल के डाल रहे हैं चीज़ों को, इधर उधर आदान प्रदान कर रहे हैं। शायद वहाँ के लोग कुछ सामान यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ के वहाँ लेकर जा रहे हैं, कुछ चीज़ों को खोल खोल के भर रहे हैं बैगों के अंदर। इस तरफ देखो सामने आ गया भाई चाइना का गेट। हेलो हाय। और होटल मैंने वो देख ही लिया जहाँ मुझे रुकना है, तो बस मैं अभी घूम घूम कर चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या क्या है। और एक मुझे सिम कार्ड भी खरीदना है। ये मैंने उसको बोला था वेजिटेरियन खाना और उसने मेरे को सब्जी मंडी में भेज दिया कि भाई यही मिलेगी सब्जी, जो मिलेगी तुम्हें खुद बनानी होगी। तो चाइना में मैं पहली चाय ट्राई कर रहा हूँ मेरी। तो भाई एक सुपरमार्केट में आया, रेट कंपेयर करता हूँ कि भाई कितने रुपए का क्या मिल रहा है। अखरोट है भाई ये 130 रुपए के। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने दो चीज़ें ली हैं, तीन कीवी ली और एक तो काफ़ी सस्ता है, यहाँ फ्रूट्स वगैरह सस्ते हैं। और चॉकलेट का तरीका देखो भाई 19.90 युआन की यहाँ पर आपको जो जो चाहिए वो। भाई साहब इसने मेरे को इतने सारे फ्रूट्स दे दिए हैं, कॉफ़ी चाय भी फ्री में दे दी और मेरे फ्रूट्स के साथ इसने इतने सारा ऐड कर दिया। देखो भाई ओह माय गॉड इट्स सो मच। हाय नमस्कार दोस्तों, दोपहर के 12:43 हुए हैं। इस वक्त मैं वियतनाम के एक बॉर्डर के टाउन मोंकई में हूँ। कल रात को मैं यहाँ पहुँच गया था और मैंने एक जगह पर स्टे किया था, ये इंडियन योगा के भाई लोगों उनके साथ में रुका था। मोंकई का नज़ारा है यहाँ से, आप चारों तरफ देख सकते होंगे, काफ़ी डेवलप्ड है ये भी। और यहाँ से अगर आप सामने देखोगे तो आपको बड़ी बड़ी जितने भी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारी चाइना में है। कहने का मतलब लगभग 1.5 किलोमीटर बाद हम चाइना में एंटर हो जाएंगे। सो आज मेरा आखिरी सुबह समझ लो या आखिरी दिन समझ लो वियतनाम में, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ चाइना। और आज मेरा वियतनाम का वीज़ा का लास्ट डे भी है, तो आज मुझे किसी भी हाल में चाइना में एंटर करना है। यहाँ पर कुंदन भाई हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो भाई हैं ये झारखंड से हैं और इन्हीं के पास मैं रुका था यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका सेवा करने का मौका मिला, और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप आपकी आगे की जर्नी और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। कल रात को मैं इस रूम में रुका था, अपना सारा सामान बिखरा पड़ा है, लैपटॉप वगैरह पैक कर लिए मैंने, कुछ कपड़े हैं बस इनको लेकर जाना है। और हाँ कल मैंने सारे कपड़े भी धो दिए थे, सूख गए सुबह तक, अच्छी धूप निकली है तो सारा काम तैयार हो गया है। तो दोस्तों जो भी पहली बार मेरा यूट्यूब चैनल देख रहा है मैं बता दूं, मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया साइकिल टूर कर रहा हूँ, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, और अब यहाँ पर वियतनाम से मैं फिर चाइना में यानी मेरी साइकिल यात्रा के 5वें देश में एंटर होने के लिए जा रहा हूँ। तो चलिए जी यहाँ से बढ़ते हैं, सामने ही चाइना नज़र आ रहा है। तो ये बिल्डिंग है जहाँ पर मैं रुका था, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है देखो इस इलाके की सबसे ऊंची। और मैं निकल पड़ा हूँ अब अपने चाइना के बॉर्डर की तरफ। 1:10 हो गई है और फाइनली मैं इन गलियों से निकल रहा हूँ। कल जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मैं घूमता फिरता, ये हुआंग लॉन्ग करके जिम है यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ मेरी बात नहीं बनी तो सामने एक दुकान है वहाँ पर, वो फो करके लिखी हुई है, उस दुकान पर जाकर मैंने पूछा तो वहाँ एक लेडीज़ थी, वो उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ कर आए, जो इंडियन भाई लोग जो मिले मुझे उनके पास में, तो अच्छा था। तो दोस्तों ये आ गई इनकी मेन लेन, मेन रोड, जहाँ से अभी मुझे चाइना के लिए निकलना है। और कल रात को आपने इस रोड को देखा होगा कितनी रंग बिरंगी थी, चारों तरफ यहाँ पर लाइट्स जल रही थी, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। और अभी दिन में देखो टोटली डिफरेंट लग रहा है ना, यही फ़र्क है भाई। यहाँ पर लाइटिंग लगा कर ऐसा बना देते हैं मार्केट को, रात के टाइम बहुत खूबसूरत दिखता है। अब जो सामने एक नदी आएगी उस नदी से हमें लेफ्ट लेना है और हम फिर चाइना की तरफ निकल जाएंगे। तो ये नदी का ब्रिज आ गया और लेफ्ट साइड में जो आपको सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो चाइना में है, पता है आपको इस बात का, उसी बिल्डिंग के बाजू में जाना मेरे को। ये सारे चाइनीज़ बिल्डिंग्स हैं यानी चाइना की कंट्री की बिल्डिंग है। और अब मैं यहाँ से उतर रहा हूँ ब्रिज से नीचे। सो फाइनली भाई लोग आ गया टाइम चाइना में एंट्री का, और सुपर नर्वस, सुपर एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। कल मैं इसी मार्केट के अंदर घूम रहा था जब मैं वापस आया था। ये देखो विनफास्ट यहाँ का कार का ब्रांड है भाई, कितनी लग्जरी कार बना रखी है इन लोगों ने। तो यहीं से मैं गेड़ियाँ मार रहा था रात को जब मेरे पास खाली वक्त था तब, और अभी यहीं से मैं वापस चाइना के बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। तो भैया ने बताया विनकॉम पहले सिग्नल से लेफ्ट लेने के लिए बोला था उन्होंने। भाई वियतनाम का मार्केट देख लो भाई साहब, लास्ट बार दिखा रहा हूँ, इसके बाद इस टूर पर नहीं अगले टूर पर फिर कभी। ये कॉफ़ी टी मोर, ये भाई यहाँ सारा सामान बेच रहे हैं, मेरे ख्याल से सारा ये चाइना से इंपोर्ट होता होगा, कुछ ना कुछ सीन होगा। ये लो भाई लास्ट, ये मैजेस्टिक मोंकई होटल है। और यहाँ से अब सामने जो आपको दिख रहे हैं झंडे फ्लैग से दिख रहे हैं वो भाई चाइना की एंट्री है। यहाँ से देखो हम बहुत ही करीब आ गए, 1 किलोमीटर 200 मीटर ही आया हूँ, और सामने भाई वो एंट्री गेट है। और यहाँ देखो सारे होटल्स वगैरह काफ़ी रंगीन बना रखा है इस इलाके को, ये देखो भाई
तो चलो भाइयों करते हैं एंट्री चाइना में। और यहाँ एकदम स्ट्रीट्स वगैरह कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, साथ में बड़े बड़े होटल्स। लेट्स गो। सामने जो आपको गेट दिख रहा है उसी गेट के अंदर एंटर होने के लिए सारी बसेस लाइन में हैं, तो ये शायद मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों को लाने ले जाने का काम करती होंगी, सब लाइन में लगी हुई हैं। तो चलो भाई, ये रहा दोस्तों आ गया हूँ। सामने जो आपको दिख रहा है मोंकई लिखा हुआ है, ये चाइना और वियतनाम का बॉर्डर है। ये जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है वो वही बिल्डिंग है जो मैं आपको ब्रिज से दिखा रहा था, यानी अभी मैं एंटर होने वाला हूँ। सो यस, नर्वस एंड एक्साइटेड दोनों एक साथ। बाकी ये यहाँ का नज़ारा वियतनाम का लास्ट बार देख लो भाई, बहुत अच्छा लगा वियतनाम में मुझे, बड़े दिन बिताए मैंने वियतनाम में। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये यहाँ के कुछ मार्केट्स हैं। दिन काफ़ी सुहाना है आज और हम आपका स्वागत करते हैं वियतनाम से चाइना में। देखो भाई सब भागम भाग कर रहे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बसेस लाइन में लगी पड़ी हैं। अंदर भी क्राउड अच्छा है, मुझे उधर डिपार्चर की तरह भेज दिया है। सो दोस्तों मुझे काफ़ी दिन से डर था कि पता नहीं मुझे मोंकई से एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि गूगल मैप पर आज भी मोंकई से एंट्री नहीं दिखा रहा। ध्यान रखना आप इस चीज़ का, यानी गूगल पर आप चेक करोगे तो इस पोर्ट से एंट्री नहीं है, कोविड के बाद से ही आपको गूगल मैप घुमा कर दिखाएगा, वो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। बाकी सामने ये वियतनाम का इमिग्रेशन पास कर लिया है हमने, इंडियन पासपोर्ट पर मोहर लग चुकी है। और भाई सारा सामान खोलना पड़ा, आप बिलीव नहीं करोगे, एक एक चीज़ खुलवाई उन्होंने, सारी चीज़ें चेक की हैं। जैसे कि मैं कुछ ऐसे गैर कानूनी चीज़ लेकर जा रहा हूँ, बट ज़रूरी भी है भाई सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, अच्छा लगा मुझे जानकर। सारा सिस्टम खोल कर वापस पैक करने में मुझे टाइम लग गया भाई, अभी 2 बज गए हैं तो लगभग मेरे को 45 मिनट का टाइम लगा यहाँ पर एंटर होने में। और यहाँ से भाई अब मैं जा रहा हूँ सामने चाइना के अंदर, ये यहाँ से चाइना या वियतनाम की एंट्री है और इस तरफ ये चाइना की एंट्री, यानी अभी मैं किसी भी देश में नहीं हूँ, बीच में दोनों के एक बाउंड्री पे खड़ा हूँ। तो चलो जी दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, चाइना की तरफ। और सुपर एक्साइटेड, फाइनली हमारे साइकिल यात्रा का 5वां देश होने वाला है चाइना, यानी थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर वियतनाम और फिर अभी चाइना। लेट्स गो। और ये सब लोग आ जा रहे हैं चाइना से इस तरफ से। हेलो हाय। सो भाई चलो चलते हैं अब अपना चाइना में। सब लोग भाई इतना देख रहे हैं साइकिल को कि भाई कहाँ से आए, हेलो हाय हाउ आर यू, क्योंकि ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं ना। चलो ये देखो भाई, पता नहीं किस चीज़ का मार्केट लगा हुआ, सारे खोल खाल के डाल रहे हैं चीज़ों को, इधर उधर आदान प्रदान कर रहे हैं। शायद वहाँ के लोग कुछ सामान यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ के वहाँ लेकर जा रहे हैं, तो चीज़ों को खोल खोल के भर रहे हैं बैगों के अंदर। इस तरफ देखो सामने आ गया भाई चाइना का गेट। सो लो भाई दोस्तों, चाइना के अंदर आप सभी का स्वागत है। पीछे जो इमिग्रेशन था जो आप देख रहे हो भाई, जो आप देख रहे हो ये, और यहाँ से मैं निकल के आ गया हूँ। अचानक से अंदर घुसा था, धूप थी और अभी मौसम देखो कैसा हो गया। बाकी ये बिल्डिंग दिख रही थी वहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा था, फाइनली पहुँच गए हैं। और ये नज़ारा यहाँ का आजू बाजू का, काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ही तेज़ बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। सो स्वागत है आप सभी का हमारी साइकिल यात्रा के 5वें देश चाइना में, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, वियतनाम, अभी चाइना। और बारिश हो गई है तो देखते हैं आज क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। बट और हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, अभी 3 बजे हैं तो भाई इतना हार्ड यहाँ का क्रॉसिंग था ना कि भाई दिमाग ख़राब हो गया। मेरा सारा सामान उतारना और रखना दोनों जगह ही बहुत खतरनाक था, उतारने रखने में मेरी हालत जो ख़राब हुई है ना वो पूछो मत। एक एक सामान लेके आना और फिर वो पतली पतली गलियाँ होती हैं एग्जिट होने के लिए, तो वहाँ सिर्फ एक ट्रॉली बैग निकल सकता, साइकिल को उससे निकालना बड़ा मुश्किल है सामान के साथ में, फिर रखना, फिर वापस निकालना, फिर रखना, फिर चेक करवाना। कमर टूट ली भाई मेरी, बट हो गया। हाय सिंचाओ, हेलो हाय, मुझे सिंचाओ निकलता मेरे मुँह से। बाकी भाई देखो ये कोई बिल्डिंग है, बड़ी सी कोई होटल है क्या पता नहीं, बट फाइनली अपन लोग आ गए हैं यहाँ पर, ये नज़ारा है। और चाइना में हमारी ऑफिशियल रूप से शाम है दोस्तों। अचानक बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश आ गई, ये छोटी सी जगह दिखाई दी मुझे जैसे ही मैं उस एरिया से बाहर आया, यहाँ 3:39 हुए और ऐसा लग रहा रात हो गई है। यानी इस तरफ देखो ये लोग जा रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई। और मैं काफ़ी देर से कोई होटल वगैरह सर्च कर रहा हूँ, इंटरनेट की भी तकलीफ़ है, पैसे भी निकलवाने हैं और आज का दिन पता नहीं क्या होगा भाई, बिना पैसों के ट्रैवल, बिना पैसों के मेहनत कर रहा हूँ। लेट्स सी, यहाँ बैठा हुआ था थोड़ा सा कुछ खाया और ये बारिश कंटिन्यूसली हो रही है भाई, जब से घुसा हूँ तब से बारिश हो रही है भाई, भयानक बारिश हो रही है यहाँ पर। अभी थोड़ी रुकी है तो मैं बाहर निकला हूँ और मैं तब से ATM ढूंढ रहा हूँ, मुझे ATM नहीं दिख रहा कहीं भी। यहाँ चाइनीज़ में लिखा हुआ है सब कुछ, तो एक होटल देखा है मैंने, उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं यहाँ से, ये गलियाँ कुछ टर्न राइट टर्न लेफ्ट कर रही है क्योंकि यहाँ नेट तो चल नहीं रहा मेरा, जैसा लगाया था एक होटल का वही लगा हुआ है। बट इस दीवार की राइट साइड में नदी और नदी के पार भाई वियतनाम है और ये भाई चाइना का नज़ारा है भाई। ये घूमते हो गया बहुत ज़्यादा टाइम और ये गुलिन बैंक है यहाँ पर, कई सारे बैंक में ट्राई कर लिया लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं निकल रहे यार, कोशिश बहुत कर रहा हूँ। और ये सामने मार्केट है, कई सारी जगह चला गया, 2 या 3 बैंक में अभी चला गया और ढूंढ रहा हूँ यहाँ बैंक
और एटीएम मिलना ही मुश्किल हो रहा है। ढूंढता ढूंढता गेड़ियां मार रहा हूँ इधर उधर मार्केट में, कोई दिखता वहीं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर इनका यूनियन पे करके बैंक चलता है, थाईलैंड में भी चलता है, यहाँ भी चलता है, वियतनाम में भी चलता है, वो चल रहा है, बाकी नहीं ले रहे सारे सारे। मैंने बैंक में ही पूछा तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ गुलिन बैंक कार्ड आता है अलग से। ठीक है तो भाई दोस्तों, पूरा भटकने के बाद फाइनली एक इस बैंक में पहुँचा हूँ। इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ चाइना। अब पता नहीं कितने रुपए इन्होंने काटे हैं, बट मैंने यहाँ से कैश निकलवाया है और यहाँ पर मैंने 3,000 येन निकलवाए, यानी यहाँ के 3,000 का मतलब हो गया इंडिया के 36,000 रुपये। 12 रुपये रेट चल रही है, 11.56 है, मतलब अप्रोक्स 12 कन्वर्जन रेट वगैरह लगाकर। अब पता नहीं इन्होंने कितने चार्जेस लिए हैं, बट मैंने अपना यहाँ से निकलवा लिया है। और इसके बाजू में एक होटल देख रहे होंगे आप, ये वाला होटल है, इसका नाम नहीं पता मुझे क्या है, बट अच्छा लगा मुझे। तो मैं यहाँ खड़ा था काफ़ी देर से, तो मेरा नेट नहीं चल रहा था यहाँ पर। इंटरनेट चलाने के लिए आपको VPN की ज़रूरत पड़ती है, और VPN चलाने के लिए आपके पास इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कोशिश किया, फ्री वाईफाई नहीं लगा। फिर इस बैंक से पूछा मैंने, तो मैनेजर थे उन्होंने फिर बाजू वाले होटल वालों का दिला दिया मुझे। तो भाई अब मैंने कनेक्ट करके और वो पैसे निकलवाए, लेकिन मेरे प्रॉब्लम पता है कहाँ पर आई। आज फिर मेरा SBI का ATM काम नहीं किया। प्लीज़ SBI अगर आप देख रहे हो, थोड़ा सा अपग्रेड कर दो। ये तो शुक्र है कि मैं अपना PNB का भी लेकर आ गया, अगर नहीं लेकर आता तो आपकी तरफ से तो मेरा हालत ख़राब हो चुकी होती। मैं कंबोडिया में ट्राई किया, मैंने वियतनाम में ट्राई किया, मैंने यहाँ पर ट्राई किया, तीन कंट्री के अंदर सिर्फ एक बात होता है, बैंक इशू। मेरे बैंक में इशू नहीं है भाई, नया कार्ड निकलवाया मैंने, पहले भी ऐसे ही होता था और अभी भी ऐसे ही हो रहा है। बहुत बड़ा दुख वाली बात है। कितने कार्ड बदलवाऊँ भाई, मेरे पास 2 ATM कार्ड मंगवा रखे हैं मैंने, और इंटरनेशनल मैंने नया करवाया था। उन्होंने बोला था कि भाई ये तो दुनिया में हर कोने में चलेगा, ये पंगा था। बट ठीक है, चलो मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ की लोकेशन लगाकर एक दो होटल में और ट्राई करता हूँ, और एक सिम कार्ड लेता हूँ आजू बाजू में जाकर। बाकी ये यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स वो हैं भाई, देखो लोग यहाँ लेकर जा रहे हैं, शायद कोई भी ले सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक। तो वो भाई ने स्कैन किया, और वो स्कैन किया बड़ा ख़तरनाक फास्ट स्कैन कर रहा है। देखो दिल्ली में भी है वैसे तो, वो यूलू करके है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेड है, इसमें 2 बंदे चढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से। बढ़िया चीज़ थी। ये बैंक वगैरह भी बंद हो गया, इनका बैंक बंद होने का टाइम बताऊँ क्या आपको, 5:20 हुई है। देखो 5:20 पे बैंक बंद हुआ है, यहाँ पर 6 बज गए होंगे अभी, क्योंकि ये अभी जो मेरे पास टाइम दिखा रहा है ये वियतनाम का ही दिखा रहा है। सो अब मेरा काम है भाई, होटल भी अपने को देख लिया यहाँ पर, ये 60 येन ले रहा है, यानी लगभग 720 रुपये के आसपास इनका चार्ज है। तो पहले मैं अपनी एक सिम खरीद लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर कहीं भी रुक जाएंगे देखकर। और खाना तो पता ही है आप लोगों को चाइना में क्या है। अब मेरे पास पैसे हैं तो मैं इधर उधर घूम के चीज़ों को देख सकता हूँ मैं। तो चलो एक गेड़ी मार के आते हैं और उसके बाद यहाँ आकर रुकना ही है फाइनली। तो दोस्तों बारिश के बाद का नज़ारा आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और मैं पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग कर रहा हूँ, और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ साइकिलिंग करके। इसलिए मैं ऐसे ही बस गेड़ियाँ मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ है, कुछ करने को है नहीं। और होटल मैंने वो देख ही लिया जहाँ मुझे रुकना है, तो बस मैं अभी घूम घूम कर चीज़ें देख रहा हूँ कि क्या क्या है। और एक मुझे सिम कार्ड भी ख़रीदना है, तो चलो देखते हैं कहाँ पर सिम कार्ड मिलता है। बाकी भाई ये नज़ारा यहाँ का देखो, चारों तरफ का यहाँ की बहुत ही पॉपुलर एक स्कूटर या बाइक समझ लो भाई, सब लोग यही लेके घूम रहे हैं यहाँ पर आजू बाजू में। ये ऊपर से ढककर इन्होंने गाड़ी सी बना रखी है, मुझे बड़ा सही लगा। वियतनाम में भी लास्ट में जो बोर्ड है वो साइकिल का साइन भी बना रखा है यहाँ पर। वियतनाम में भी लास्ट में सिर्फ ये चीज़ देखने को मिल रही थी, बट चाइना में बहुत पॉपुलर है भाई ये स्कूटर जैसे से हैं। और साइकिलिंग लेन पर ये लोग स्कूटर और पैदल चलने का रास्ता, बट छाते देखो कैसे लगा रखे हैं भाई, बड़े परफेक्ट हैं इस चीज़ के अंदर ये लोग। सो भाई सिम कार्ड लेने ये इनके प्लान है भाई। देखो मैंने लिया 129 की, 30 GB मिलेगा। 129 का मतलब हो गया भाई मान के चलो 1300-1400 रुपये के आसपास, वो भी 30 GB ओनली। बहुत महंगा इंटरनेट है भाई चाइना में, हालत ख़राब हो गई। अभी बात कर रही है देगी कि नहीं देगी पता नहीं। सिम कार्ड ले लिए भाई इन्होंने, 50 फोटो खींच ली होगी मेरे उसकी, पासपोर्ट की खींचे जा रहे हैं वहाँ। चलो ठीक है खींच लो जी। और ये एक दिल सा बना दिया भाई, ये मेरे नंबर है देखो, इस दिल के अंदर मेरे नंबर लगा दिए इन्होंने। बाकी देखो मोबाइल की दुकान में ये लोग ये भी बेच रहे हैं, क्या है लवेंडर करके कुछ है, सावर जेल है पता नहीं। ये दुकान है भाई, ये काफ़ी पॉपुलर है, मैंने देख ली काफ़ी जगह पर चाइना मोबाइल, ये ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है हर जगह पर था, तो मुझे लगा इसी में चलना चाहिए। ये भाई देखो इन्होंने दिल दिया मेरे को, यस कम ऑन। इतनी ज़्यादा फोटो भाई, कितने फोटोजेनिक हैं कि उस दिल के साथ में पहली बार कोई इतना सिम देते हुए ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खरीद रहा हूँ मैं। मेरे पासपोर्ट के साथ भी फ़ोटो, जेल में नहीं खींचते हैं वो पट्टी सी पकड़ा के हाथ में एक वो पकड़ा कर, और वैसे ही खींची और उसके बाद में एक दिल देकर खींचा, पहले कैदी बना दो उसके बाद दिल दे दो। चलो ठीक है जी। ये देखो ये नंबर है भाई, ये पता नहीं चाइनीज़ में इन लोगों ने क्या लिख रखा है, लिख तो रखा है वियतनामीज़ चाइनीज़ 5G भाई चाइना मोबाइल करके।
चलो ठीक है ले ली सिम। भाई साहब 7:16 हो गए इनसे सिम नहीं बनी है अब तक। जब वहाँ पर एंटर कर रहा था मैं, इमिग्रेशन में मेरा इतना टाइम नहीं लगा जितना यहाँ पर ही इमिग्रेशन में। मेरी कम से कम भी भाई 5 से 7 बार तो फोटो खींच चुकी है, और जब से आई है ना तब से एक दो लोग आ गए पूछने के लिए कि भाई कौन है क्या है, फ़ोन पे बात कर रही है, और इतना टाइम हो गया भाई साहब मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को लगभग 45 मिनट होने वाली हैं थोड़ी देर के अंदर अंदर। एक सिम कार्ड के लिए इतना टाइम भाई कौन लगाता यार। कंबोडिया और वियतनाम में भाई मेरे को यूँ दे दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं कुछ नहीं। यहाँ कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, मैं बोलने वाला हूँ 2-5 मिनट के अंदर कि भाई ठीक है छोड़ो आप। 45 मिनट से सिम कार्ड में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बाहर मेरी साइकिल खड़ी है, मेरा पूरा ध्यान वहाँ पर है। सो भाई फाइनली मैंने, ओह थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो भाई फाइनली मैंने सिम कार्ड खरीद लिया, और आप गेस करो कितने का सिम कार्ड है, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिम कार्ड है। और उस लड़की की भी गलती नहीं है यार, मैं ही नहीं समझ पाया, उसने चाइनीज में लिखा कुछ, मुझे लगा पता नहीं क्या MBPS बोल रही है क्या बोल रही है, उसने 300 युआन लिखा, यानी इंडिया के 3500 रुपये होते हैं भाई, जिसमें इन्होंने सिम कार्ड मुझे दिया अराउंड भाई 2-2500 रुपये के आसपास सिम कार्ड, 1000 रुपये उन्होंने रिचार्ज किया। ओह भाई इतना महंगा इंटरनेट, और वो भी चल नहीं रहा है। आपको पता है मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ गूगल चलाने की, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक, कुछ भी नहीं चल रहा है इस इंटरनेट से, 3500 रुपये के रिचार्ज से भी इंटरनेट नहीं चल रहा, और वो भी लिमिटेड 30 GB मिला है। 30 GB का मतलब मैं एक दो वीडियो अपलोड करूँगा तो 30 GB ख़त्म हो जाएगा यूट्यूब वगैरह पर। तो इसका मतलब ये कि भाई ये इंटरनेट तो बहुत महंगा पड़ गया, बट कोई बात नहीं चलो चलते हैं। कभी कभी आपको पैसे देकर कुछ ज्ञान की चीज़ें भी सीखने को मिल जाती हैं। थाईलैंड वगैरह में आपको 700-800 रुपये इतने में लास्ट तक आपको आराम से मिल जाता है। मलेशिया में भी सस्ता था, सिंगापुर में तो मैंने करवाया नहीं था, और भी कई सारी कंट्रीज में बहुत सस्ता इंटरनेट था, यहाँ बहुत महंगा, और वो भी 30 GB मिला भाई। बड़ा ही तगड़ा सीन है यहाँ पर, इसीलिए वाईफाई लगवा के रखा है सब लोगों ने। मेरे 3500 के रिचार्ज में मैंने डाला टेम्पल नियर मी, अभी तक नहीं खुला है, काफ़ी देर होगी, देख लो आप 5G इंटरनेट चल रहा है यार। एक शक्करगंदी खाने के लिए आया था, मुझे लगा पूछ लेता हूँ इनसे, बट शक्करगंदी तो नहीं मिली, तो मुझे लगा एक बार चेक कर लेता हूँ टेम्पल नियर मी। तो भाई साहब देखो अभी तक नहीं खुला है, टाइम देख लो 7:56 हो गए और खुलने का नाम ले ये नहीं। What? No? Okay. ये बेचारी शक्करगंदी बेच रही थी, बोल रही मेरे पास खुले नहीं है, 100 युआन थे मेरे पास है, मैं इसको दिए तो बोलती खुले नहीं है मेरे पास। और भाई यहाँ पर हर दूसरी लड़की सिगरेट पी रही है, मैं देख रहा हूँ ना जो स्कूटर वगैरह पे जा रही हैं सब सिगरेट पी रहे हैं सबसे ज़्यादा। भाई साहब चालू भी नहीं हो रहा फ़ोन, मेरा फ़ोन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा यहाँ की सिम कार्ड, पता नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, बट ठीक है फाइन। घूम फिर के आ गया हूँ उसी होटल में जहाँ पर मैंने वाईफाई लिया था इंटरनेट, और यहीं पर स्टे करूँगा सोच लिया, मैंने पहले ही सोच लिया था। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर 60 युआन का है, यानी 60 युआन येन इनकी जो करेंसी ऐसा ही है, तो 60 मतलब हो गए भाई अपने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया करो। तो यहाँ सोएंगे, ये है अक्साई लाई बाओ होटल, तो देख कर कंडीशन तो ठीक लग रही है, अब जाएंगे तो ऊपर पता चलेगा कैसा है क्या नहीं है। दोस्तों फाइनली पहुँच गया हूँ, और इस टूर पर मैंने शायद पहली बार किसी होटल की पेमेंट की है, और ये मेरा रूम है भाई सामने, काफ़ी बड़ा रूम है, बहुत ही बड़ा, और ये वॉशरूम है छोटा सा अंदर, काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग है बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को एक रात बितानी है यहाँ पर। क्या चल गए चाइनीज़ में, और भाई यहाँ से बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, खुलती होगी विंडो नहीं खुलती क्या पता नहीं, खुलती है नहीं खुलती, बट बाहर से ये नज़ारा है भाई साहब। तो ये अपना बेड है, और अभी मैं बस अपना वीडियो एडिट करूँगा फिर सो जाऊँगा। दोस्तों सुबह के 12:21 हुए हैं, और मैं होटल से अभी बाहर निकल रहा हूँ, कभी मेरे फ़ोन में 12:21 हो रहे हैं, कभी 11:21 हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं वियतनाम के बॉर्डर पर हूँ, तो वियतनाम और चाइना में 1 घंटे का फ़र्क है, और इंडिया में और चाइना में 2.5 घंटे का फ़र्क है, यानी अभी अप्रोक्स यहाँ पर 12:30 हैं, तो इंडिया में बजे होंगे भाई कितने जल्दी से बता दो, 10। और अब मैंने यहाँ पर जो होटल के रिसेप्शन पर एक लड़की थी उससे मैंने पूछा कि भाई मुझे कुछ खाना खाना है, और वो भी वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन को बोलता है सूप से ऐसे करके उसने बोला, यानी वेजिटेरियन खाने के लिए, तो बोलती है शौक हो गया हाँ वेजिटेरियन, बट फाइनली उसने बोला कि आप इस तरफ चले जाओ आपको कुछ शक्करकंदी वगैरह खाने को मिल जाएंगी, जो आपने लास्ट नाइट खाई थी वैसी चीज़ें। तो 500 मीटर बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट जंक्शन से मुझे राइट लेना है, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाई, और मैंने एक रात और यहाँ स्टे कर लिया, मुझे लगा होटल थोड़ा सस्ता है तो रेस्ट हो जाएगा, और थोड़ा चाइना को समझ लेंगे यहाँ पर क्या माहौल है कैसी चीज़ें हैं। और ये लो देखते देखते बारिश भी स्टार्ट हो गई है, बाकी यहाँ की ये बिल्डिंग्स हैं, अभी मार्केट खुला नहीं है, पता नहीं क्या सीन है, कल तो खुला हुआ था, और ये देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आज शनिवार का दिन है तो शायद इस वजह से भी कुछ बंद हो सकता है,
बाकी यहाँ से मुझे उसने राइट बताया 500 मीटर, तो यही राइट लेना मुझे। देखो भाई, सब्जी मंडी में भेज दिया उसने, सब्जी वगैरह मिल रही है। मैंने उसको बोला था वेजिटेरियन खाना और उसने मेरे को सब्जी मंडी में भेज दिया कि भाई यही मिलेगी सब्जी, जो मिलेगी तुम्हें खुद बनानी होगी। तो भाई हेलो निहाओ, तो ये भाई सब्जियां बेच रहे हैं यहाँ पर। सही भेजा है उस लड़की ने मेरे को, चलो इस तरफ चलता हूँ। सारी जगह सब्जियाँ भाई, फ्रेश सब्जियाँ सीधी खा सकते हो। और भाई ये आ गया यहाँ का नॉन वेजिटेरियन मार्केट मेरे ख्याल से। चलो चलते हैं देखते हैं। निहाओ 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 भाई साहब, नो चाइनीज, हिंदू हिंदू हिंदू, यस हिंदू। भाई साहब देखो एक बार आप, चाइना की हर मोड में ऐसा ही मिलेगा। हेलो निहाओ के पास आया हूँ। हेलो निहाओ निहाओ, तो भुट्टा लिया भाई मैंने, मेरे पास भुट्टा ही था यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें हैं, अंडे वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें। सब बहुत मुश्किल है यहाँ पर खाना ढूंढना। मैंने ये भुट्टा लिया और एक भुट्टे से बनी हुई कोई पता नहीं क्या चीज़ है मैंने ले ली। और फाकी यहाँ पर एक जूस की दुकान पे जूस पीने के लिए आया हूँ मैं, तो यहाँ मैंने कुछ समझ में नहीं आया तो वो 12 युआन का लिखा हुआ था। मैं कहा भाई तुम एक काम करो, ड्रैगन फ्रूट और जो केले होते हैं ना अपने, वो काट कर दे दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा जहाँ भी जा रहा हूँ। एक तो मेरा नेट नहीं चल रहा, मेन दिक्कत ये है। अगर इंटरनेट चले तो फिर क्या कि हम उसको वो कर सकते हैं कि भाई समझा सकते हैं। ऐसा नज़ारा भाई, बिल्डिंग्स हैं। और कुछ खाने के बाद मैं वापस देखूंगा, कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदूंगा आजू बाजू में। अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा भाई चाइना में। बट मज़ा आ रहा है, देखो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये चीज़ें स्ट्रगल करते हुए। लोगों को भी मज़ा आ रहा है, मुझे भी मज़ा आ रहा है। बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक और गजब चीज़ बताता हूँ चाइना की भाई, चाइना में जो पासवर्ड है भाई वो है 8x8 दबाना आपको। मैंने सारे कनेक्ट करके देख लिए, सारों में 8x8 दबाना है। इसमें इसमें या तो 5x8 या 8x8, तो ये मेरा कनेक्ट हो गया भाई, अच्छा नेट चल रहा है। ये सारे के सारे सेम ही पासवर्ड है सबके, क्योंकि मैं जब भी कनेक्ट करवाता हूँ ना तो मैं देख लेता हूँ भाई कौन सा पासवर्ड है। जहाँ भी गया मैं अभी तक सब पे 8x8 है। और ये भाई इन्होंने लाकर दे दिया ड्रैगन फ्रूट विद बनाना, मुझे लगा सैलेड टाइप से देंगे लेकिन उन्होंने पूरा ग्राइंड करके दिया। तो चलो इसको पीता हूँ उसके बाद चलेंगे। भाई पीछे चाइना मोबाइल देख रहे हो यहाँ पर, मैंने फिर से इनसे पूछा कि भाई मैंने सिम कार्ड खरीदा था इतना महंगा और काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये चाइनीज़ जो चाइना में बैन है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर स्लो काम करेगा। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप क्या करना, जो आप VPN यूज़ कर रहे हो उसमें लोकेशन चेंज करना। तो उन्होंने बोला आप सिंगापुर यूज़ करके देखो, शायद इस इलाके में सिंगापुर ज़्यादा चलता होगा। मुझे एक भैया ने जर्मनी बताया था, जर्मनी काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था, तो अभी मैंने सिंगापुर डाला और सिंगापुर अभी ठीक चल रहा है और न्यूयॉर्क भी ठीक चल रहा है। सो ये देखो भाई, यहाँ दुकानें अपने जैसी हैं डिट्टो सारी की सारी। देखो अपने इंडिया में जैसी होती ना बाल्टी वाल्टी दर रखी है सारी चीज़ें, टोटली सिमिलर अपने इंडिया जैसा है, बस नाम ही चेंज है यहाँ पर। अब भाई मैं रास्ता गया हूँ भूल, अब मुझे देखना होगा मैं किस डायरेक्शन से आया था, कौन सी गलियों में जा रहा हूँ, लगा के देखता हूँ मैप। यस वन इसमें मैं पीने के लिए आया, बड़े फ्रेंडली है सारे भाई साहब, इतने एक्साइटेड हो जाते हैं देखकर। या हॉट हॉट, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं भाई साहब जब भी बात करते हैं ना, सब लोग इतना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं, मैंने सोचा नहीं था। अब इनसे मैंने चाय बनवाई है, ये दूध डाल दिया इसके अंदर और इसके अंदर फिर ये कुछ मिक्स कर रहे हैं, ये मिल्क ओके आके, और मेरे ख्याल से अब गर्म कर देंगे इसके अंदर। बढ़िया सिस्टम है यार। तो ये भाई कॉफ़ी शॉप है इनकी और इनमें रेट्स लिखी हुई है 10, 16, 13, ये सारे युआन है। अब 10 युआन की अगर बात करें तो भाई अपने इंडिया के हो गए 120 रुपये, ये 120 हो गए, ये सारा का सारा रेट है। चलो बना दी भाई इनकी चाय, पी के देख लेते हैं। चाइना में मैं पहली चाय ट्राई कर रहा हूँ मेरी। यस यस यस, क्या लगा रहे हैं इसके ऊपर, शीशे। तो भाई चाय तैयार है, मॉडर्न चाइना टी शॉप। थैंक यू। हिंदू। तो दोस्तों शाम के 8:33 हुए अभी और मैं मार्केट में निकला हूँ। आज दिन में मैंने रेस्ट किया और इसके अलावा भाई मैंने आज देखी द केरला स्टोरी मूवी है, और बड़ी खतरनाक मूवी थी यार, बड़ा ही ऐसे रोना भी आया, इमोशनल भी हुआ और बड़ी भयानक स्टोरी थी। आप लोगों का क्या मानना है कि वो, अगर आपने देखी है तो अपने रिव्यूज़ बताओ कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, क्या ये रियलिटी है और क्या इसकी हकीकत है। मैं तो, मेरे एक दोस्त है केरला से, उसको मैंने मैसेज भी किया कि यह रियलिटी है क्या है। बाकी उसके बाद मैंने भाई वीडियो एडिट किया जो मुझे अपलोड करना है, और अब भाई मैं निकला हूँ थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए और थोड़ा और मार्केट देखने के लिए। अब कल मैं किस तरफ से आया था, कल यहाँ खड़ा था मैं, या कहाँ खड़ा था, यहाँ भी लंबी लंबी रोड्स हैं चारों तरफ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की कि लोग रेड लाइट पर रुके हुए थे, यानी लोग यहाँ के जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं, अच्छा लगा। तो अब से मैं भी किया करूँगा, नहीं कभी कभी कहा था वॉक करते हैं तो चलो निकल जाते हैं ऐसा सोच लेते हैं। बाकी इस इलाके में तो नहीं है कुछ,
बाकी पीछे वाले इलाके में थी चारों तरफ। सो यस, तो घूमता घूमता भाई ऐसे एक सेंटर में आ गया। देखो यहाँ पर चीज़ें कैसे खुली मिलती हैं, 8 यानी 80 रुपए की 500 ग्राम, 160 रुपए किलो अखरोट है भाई ये, 130 रुपए के, ये देखो 110 रुपए की आधा किलो, यानी देख लो भाई कितने रुपए के हो गए। और ये मूंगफली वगैरह है भाई, सारी चीज़ें एकदम खुली मिल रही हैं यहाँ पर। ये हो गई भाई 100 रुपए की 500 ग्राम। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें बहुत सस्ती हैं, चॉकलेट वगैरह हो गई, किशमिश भी बहुत सस्ती दिखी मेरे को। तो भाई एक सुपरमार्केट में ऐसा रेट कंपेयर करता हूँ कि भाई कितने रुपए का क्या मिल रहा है। सो देखो यहाँ पर है ना 4.98 लिखा हुआ है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ भाई ये 4.98 मतलब इंडिया के रुपये हो गए 50 रुपये के आसपास, तो इसके अंदर ये भाई क्या दे रहे हैं, मतलब 50-60 रुपए के आसपास है, इसमें क्या दे रहे हैं, 1 किलो है या 500 ग्राम है या क्या सीन है। तो यहाँ पर अगर 1 किलो है तो ये भाई बहुत ही सस्ता मार्केट है, और अगर ये आधा किलो है तो भी सस्ता ही है, बट अगर 1 पीस है तो ये बहुत महंगा। फिर तो कुछ कुछ चीज़ों पर इन्होंने रेट लिखी हुई है, उन्हें 500 ग्राम लगा रखे हैं, सारी चीज़ें लगा रखी हैं। हेलो नमो। सो भाई इस चीज़ में समझ में नहीं आ रहा मुझे, देख रहा हूँ मैं केले वगैरह पर तो लिखा हुआ इन्होंने ये 1 केजी में। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 2 चीज़ें ली हैं, 3 कीवी ली और 1 मैंने ये लिया। तो इसका जो चार्जेज है भाई वो इसका जो चार्जेज है वो अराउंड 6 युआन हो गया, यानी 70 रुपये के आसपास में। तो भाई ये सीन है, देखो मैंने लिया है 70 रुपये में, मुझे इतना सामान मिल गया, तो काफ़ी सस्ता है यहाँ, फ्रूट्स वगैरह सस्ते हैं। और चॉकलेट का तरीका देखो भाई 19.90 युआन की यहाँ पर आपको जो जो चाहिए वो ले सकते हो, 21 युआन 54 युआन का ये जो नॉन वेजिटेरियन है। तो बाकी ये चॉकलेट्स वगैरह भी 2 युआन की हैं, यानी 20 रुपये की, 20-22 रुपये की। इसके बाद ये केक वगैरह हैं, ये भी भाई साहब सस्ते हैं किलो के हिसाब से, बताने कैसे हैं। लाओस और वियतनाम में ये केक बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, लेकिन यहाँ काफ़ी सस्ते हैं। इस तरीके से पूरा मार्केट है भाई, बिस्किट वगैरह का, ये सारी चीज़ें, बड़ा ही सही सीन है यार, मुझे काफ़ी सस्ता लगा और अच्छा भी लगा। ये देखो आप, ये 100-100 रुपये में ये मिल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, खाली डब्बे हैं और भरे हुए हैं भाई साहब। ये जो देख रहे हो ये 100 रुपये का डब्बा भाई। मुझे वीडियो अपलोड करना था तो मेरे होटल में सही से नहीं चल रहा था इंटरनेट, सो मैं इसी दुकान पर आ गया फिर से। तो यहाँ मैंने फिर से एक वही चाय ऑर्डर की है जो मॉर्निंग में मैंने पी थी, काफ़ी सही स्वाद था। हॉट कोल्ड तो पीना भाई बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है चाइना में, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही कई सारे वायरस वगैरह फैले रहते हैं, तो सिर्फ मैं हॉट ही पीऊँगा। तो हॉट ये दूध जैसा ही टेस्ट है इसका, से ट्राई कर रहा हूँ। बाकी यहाँ देखो इन्होंने प्लास्टिक नहीं है भाई, ये भी देखो कागज़ का, ये भी कागज़ का और ये स्ट्रॉ भी कागज़ की है, ये सही है, बढ़िया है। यहाँ पर भाई साहब इसने मेरे को इतने सारे फ्रूट्स दे दिए हैं, कॉफ़ी चाय भी फ्री में दे दी और मेरे फ्रूट्स के साथ इसने इतने सारा ऐड कर दिया। देखो भाई, ओह माय गॉड, इट्स सो मच, वाओ भाई साहब, सेव वगैरह सब कुछ ही रास्ते में खा लेना। थैंक यू सो मच साई साई, यू आर सो अमेजिंग, थैंक यू। दोस्तों होटल में वापस आ गया हूँ, देखो देखो उन्होंने मुझे कुछ आम दिए, ये चाइना के आम लग रहे हैं छोटे छोटे से, पता नहीं कहाँ के हैं। बाकी एक ये फ्रूट था, ये सेव है भाई, दो बाकी अपन अब मॉल से लेकर आए थे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और यहाँ पर मैं 2 दिन रुका, क्योंकि यहाँ पर आप टेंट नहीं लगा सकते हो पूरे चाइना में, मुझे ऐसा किसी ने बताया, बट मैं कोशिश करूँगा कोई जगह ढूंढने की जहाँ मैं टेंट लगा सकूँ। चाइना में आज मेरा पहला दिन था, बड़ा अच्छा रहा, और मैं कल यहाँ से राइड स्टार्ट कर दूँ। तो दोस्तों शाम का वक्त है, इन बच्चों से मैं मिलने के लिए आया था, से हाय हाय निहाय 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 राइट निहाय निहा निहाओ ओ यस यस निहाओ 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 थैंक यू बाय 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 बाय। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं भाई। एक इस कॉलोनी में मैं खाना खाने के लिए आया था इस तरफ, तो मुझे दिखे खेलते हुए, इनके साथ मैं बैडमिंटन खेला थोड़ा और इनके थॉट्स वगैरह जानने लग गया था, तो ऐसे छोटी छोटी जगह बना रखी हैं। बाय 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 थैंक यू। बड़े प्यारे से बच्चे हैं और कई सारी बातें हुई, इंडिया के बारे में पूछा मैंने, इन सब लोग क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। बच्चों के साथ देखा आपने, मैंने डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट कर दिया, तो मुझे लगा बनाऊँ या ना बनाऊँ, बट वो अच्छा मोमेंट लगा तो मैंने बना लिया। और उसी चाय की दुकान पर आया तो भाई आज उसने मुझे ये पहले पाइनएप्पल का जूस पिलाया, बड़ी सही लड़की है यार, वो बहुत हेल्पफुल है। और उसके बाद भाई ये पैशन फ्रूट, तो ये भी बड़ा डिलीशियस था, मैंने पैसे दिए तो पैसे भी नहीं दिए, और इसमें कुछ ऑरेंज वगैरह दिए थे, और ये मैंगो सैलेड का, तो भाई स्वाद आ गया। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, शाम के 7:33 हो गए हैं, यानी इंडिया से 2.5 घंटे का फ़र्क है। इंडिया में 5:03 हुई होगी, अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब जो आज जो वीडियो है ना भाई, वो 11 GB का वीडियो है, क्योंकि पहले मेरे लैपटॉप में जो एडिट करता था मैं, वो था HP का, तो उसमें एक मैंने बहुत सालों से एक सिस्टम सेट कर रखा था कि वो HD में वो होता था और 2-3 GB का बन जाता था। नए लैपटॉप में पता ही नहीं मुझे कौन सी जगह पर एक्सपोर्ट करना है, कितने FPS वगैरह जो भी सिस्टम होता है, KBPS, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इन चीज़ों का।
क्योंकि वो जो कैमरा वैमरा काम करता है उनको रहता है, मैं अपना वीडियो एडिट करता हूँ बस नॉर्मल सा। सो भाई उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, कभी 11 GB का बन जा रहा है, कभी 10 GB का, वही उतनी मिनट का वीडियो। सो वो पेनफुल है थोड़ा सा, तो सेट कर रहा हूँ धीरे धीरे करके कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी का, क्योंकि एक दो भाई ने मेरे को कमेंट किया क्लैरिटी कम हो गई है इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा था। बाकी भाई ये एरिया है और ये वाली चाय की दुकान है जहाँ पर आज मैं फिर बैठा हुआ हूँ, और कल मैं यहाँ से आगे निकल जाऊँगा। क्वेंजाओ करके एक जगह पड़ती है, वो दिखाऊँगा मैं आपको, उसका नाम शायद मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं आपको दिखा दूँगा। हाय गुड इवनिंग। सो यही है भाई वो जो जिसने बहुत सारी मुझे जूस पिला रही थी बार बार, काफ़ी ज़्यादा बोला ये भी खा लो वो भी खा लो, खाना भी खिला रही थी लेकिन खाने में लोग वो डक मीट था यानी बतख का मीट था तो वो तो मैं खाता नहीं हूँ तो इसलिए मैंने मना कर दिया, बोल रहे खाना पीना खाना तो बताओ, मैंने थैंक यू जी। बाकी ये भाई शाम का माहौल है यहाँ पर, और ये एक छोटी सी चाय की दुकान है जो बड़ी सुंदर सी है, ये दुकान है इस नाम है हैव अ गुड टाइम इंग्लिश में लिखा हुआ है वो, बड़ी अच्छी दुकान है मुझे अच्छी लगी है सो, और काफ़ी ज़्यादा भाई पॉपुलर भी है। इतनी मैं पिछले 1.5 घंटे से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी भी 23 मिनट दिखा रहा है, तब से यहाँ पर इतने कस्टमर आ रहे हैं, टच वुड यार आने चाहिए, अच्छी बात है, मेहनती लड़की है तो बढ़िया है दुकान, मतलब अच्छा लगा। सो दोस्तों रात के 10:06 हो गए हैं और मैं वापस होटल में आ गया हूँ, और ये मेरा बेड है, यहाँ मैं सोने वाला हूँ। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ बस अपना थोड़ा काम करके एक वीडियो एडिट करूँगा और उसके बाद मैं सो जाऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे मुझे सपोर्ट मिलेगा तो हम राइड अच्छे से कर पाएंगे हंसी खुशी खेलते, और नहीं करोगे तो फिर पता नहीं क्या होगा भाई। गुड नाइट।